हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये अपनी ये पशु के ऊपर जिसे एडिमा हो गया हुआ है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था और आप लोगों से कमेंट भी मैं भी पूछा था कि प्लीज़ इसे बताएं कौन सी मेडिसिन यूज करें। तो एक भाई ने देसी नुस्खा, जो कि दिनेश पांडे जी ने बताया थे कि हरा धनिया पत्ती दीजिए, बेहतर काम करेगा, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में अपने पशु को धनिया पत्ती दे करके देखा हूँ, जो कि देसी नुस्खा के ऊपर ही पहले अपने उस एडिमा को ठीक करने का काम करने की कोशिश किया हूँ। तो अपने पशु को ये धनिया पत्ती देकर देख रहे हैं सुबह क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, और एक दो दिन तक खिलाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले एडिमा होता क्या है, तो जब भी पशु काल्विंग के पहले या काल्विंग के बाद, यानी कि बच्चे देने से पहले या बच्चे देने के बाद, जो पशु के थन अडर के आगे में जो पेट में होता है वहाँ पे थोड़ा फ्लूड टाइप में भर जाता है, जो कि पानी टाइप में भर जाता है, और उसका थन भी सूज जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि पानी टाइप में उसमें फ्लूड टाइप में भरा हुआ रहता है, जो कि वो तो ना ही कोई इफेक्ट, कोई उसमें पशु में कोई हानि नहीं पहुँचाता है, बट उसको टच करने पर कोई बस वहाँ पर दब जाता है और फिर से वहाँ से जैसा कि वैसा हो जाता है, वहाँ पे पानी टाइप में रहता है, दबने के बाद फिर वो अपने शेप पे आ जाता है। टच करने पे पशु को कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन इससे एक खतरा बना रहता है कि इससे मस्टाइटिस होने की प्रॉब्लम रहती है, जो कि ये फर्स्ट लैक्टेशन वाले पशुओं में ज़्यादा देखा जाता है। हालाँकि ये जो अपने पशु है इसका सेकेंड लैक्टेशन है, फिर भी इसको एडिमा हो चुका है। तो इसको दिनेश पांडे जी ने कमेंट किए थे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि धनिया पत्ती, तो मैंने धनिया पत्ती उसे दिए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन भी है, बट अभी हमने देसी नुस्खा ही अपने इन पशु के ऊपर यूज करे किए हैं, और देखते हैं कितना परसेंट तक ठीक ठाक होती है, उसके बाद क्या क्या इस देने की कोशिश करते हैं, वो सारा कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में तो मैंने बस धनिया पत्ती दिए हैं, और उसके बाद लहसुन, ऐसे लैसिस की भी टैबलेट आती है, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, बट वो सब देने की हमने कोशिश नहीं की है, क्योंकि उससे पशु थोड़ा अनसेफ फील करती है, इस वजह से इंजेक्शन वगैरह नहीं देने की कोशिश की है। जो भी है अपना देसी नुस्खा है, उसी से कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। तो यही टैबलेट में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, यही देकर देखे हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि और क्या दे सकते हैं देसी नुस्खा में, या जो भी मेडिसिन वगैरह है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इसे देनी चाहिए और क्या दे। अभी तो फ़िलहाल धनिया पत्ती दे रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।